फिल्मी पर्दे में गोविंदा ने कई शानदार मूवीज की है जिसमें उनके किरदार को हर किसी ने काफी सराहा है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का आज 21 दिसंबर को जन्मदिन है। उनका जन्म 1963 को मुंबई में हुआ था। गोविंदा फिल्मों में कभी बेटा बनकर माता पिता की सेवा करते नजर आए तो कभी भाई बनकर पूरे घर को जोड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि पारिवारिक फिल्मों से वो जितने जुड़े थे, असल जिंदगी में वो अपने ही घर से नकारे भी गए थे। जी हाँ, इस बात का खुलासा गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान करते हुए बताया था कि जन्म के समय उनके पिता ने उन्हें गोद लेने तक से इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं आखिर क्या थी इसकी वजह। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब गोविंदा पैदा हुए थे तो उनके पिता अरुण कुमार आहूजा ने उन्हें गोद लेने से भी इनकार कर दिया था। इसकी वजह खुद गोविंदा ने बताते हुए कहा था कि जब मैं गर्भ में था तो मेरी माँ निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थी लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण माँ उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा की माने तो उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वे एक्टर बने। हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार माँ चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छा दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में आना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं गोविंदा के निजी जीवन पर। आपको बता दें कि गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है, मगर न्यूमरोलॉजी में विश्वास के चलते उन्होंने अपने नाम को गोविंद से गोविंदा कर लिया। गोविंदा ने अन्ना साहब वर्तक कॉलेज वसाई मुंबई यानी महाराष्ट्र से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। 11 मार्च सन 1987 को उन्होंने सुनीता से शादी की। उनकी दो संतानें हैं, एक बेटी टीना और एक बेटा यशवर्धन। 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से फिल्मी जगत में उन्होंने डेब्यू किया था। आपको बता दें कि वर्सेटाइल एक्टर के रूप में विख्यात गोविंदा ने अब तक कुल लगभग 165 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उनको फिल्मी जगत में कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें 12 फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन और उनके नाम एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार। इसके अतिरिक्त तो उनको 4 बार जी सिने पुरस्कार से भी नवाजा गया है। फिल्मों के अलावा गोविंदा ने साल 2004 से 2009 तक संसद सदस्य भी वे रह चुके हैं। उन्होंने उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता राम नाइक को हराया था, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीतिक जगत से संन्यास ले लिया। आइए अब जानते हैं कि गोविंदा अपना हर साल जन्मदिन कैसे मनाते हैं। आपको बता दें कि गोविंदा हर साल अपने जन्मदिन के दिन हिजड़ों को घर पर आमंत्रित करते हैं और उन्हें हजारों रुपए देकर उनसे डांस करवाते हैं और खुद भी उनके साथ डांस करके खुशियां मनाते हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो गोविंदा फिल्मों में बहुत कम ही नजर आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में गोविंदा ने अपना गाना आंगन तेरा तरसा तो टिप टिप पानी बरसा अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा रॉयल्स पर रिलीज किया था। सुपरस्टार ने अपने प्रशंसकों से जुड़ने के लिए डिजिटल लीप ली है और इन गानों में सिर्फ अभिनय करने के अलावा उन्होंने इसे खुद गाया भी था, जिसके बाद इस गाने ने उनके फैंस को दीवाना बना दिया। दर्शकों ने इस गाने को खूब सराहा और बहुत पसंद किया। तो आपको इस पर क्या कहना है? क्या आप भी गोविंदा के बहुत बड़े फैन हैं? अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।